जी नाज़रीन, जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये सब न्यूज़ मेंटर के मेन मार्केट की है, जहां बीजेपी का झंडा तमाम नौजवानों ने और जो नए लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं उन्होंने थामा है। और इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी और पीर पंचाल के इंचार्ज एडवोकेट मारूफ खान साहब से। आइए उनके साथ जो हमने बातचीत की है वो सुनते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि पीडीपी से जो लोग जाकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं इनके हवाले से उनका क्या ख्याल है, आइए सुनते हैं। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज पीर पंचाल मारूफ खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम जानना चाहेंगे कि महेंद्र से बहुत से लोग हैं जो वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं पीडीपी को छोड़कर, आखिर इसकी क्या वजह है। मारूफ साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। शुक्रिया, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, जो पीडीपी को बड़ा नुकसान हो रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि लोग बीजेपी का दामन थाम रहे हैं? देखिए, सिर्फ मेंढर की बात नहीं है, पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में जो अवामी मुद्दे हैं, अवामी मसाइल हैं, उनसे तवज्जा हटा के यहाँ बाकी हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान करके और जम्मू कश्मीर में पहाड़ी गुजर करके और पहाड़ी कश्मीरी करके, गुजर कश्मीरी करके नफरत जो है बीजेपी ने फैलाई और उसी नफरत की आड़ में कुछ लोगों को ऐसा जो है तरह तरह के साज बाग दिखा के, जिस तरह को माजून किसी को खिला के तो उस की अकल जाहिल कर देता है, बेहोश कर देता है, इस तरह जम्मू कश्मीर में भी कुछ लोगों को जो है वो एक किस्म के सब्ज बाग जो है उनके नशे में मुबतला करके, तो बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि अपने साथ लोगों को जोड़ा जाए। उसके असरात जो है जम्मू कश्मीर के हर एरिया में जो है देखने में को मिल रहे हैं, तो इस तरह मेंढर में भी उसके असरात पहुंचे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसमें मेजॉरिटी जो है पढ़े लिखे लोगों की है और वो जरूर अपने ऐसे फैसलों पर गौर करेंगे और इसमें जो है बड़ी तादाद में अक्सरियत में पढ़े लिखे लोग, कुछ महकमा तालीम से सबकदोश हुए हैं, रिटायर हुए हैं, कुछ और हैं, तो जब पूरे हिंदुस्तान का नक्शा वो देखेंगे और उसको पढ़ेंगे तो उन्हें जरूर अपने इस फैसले पर गौर करना पड़ेगा। और हमें यकीन है कि ये इस वक्त उनका एक जज्बाती फैसला है और ये जो गरमाया हुआ है माहौल बीजेपी ने पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिलवाने का, उसका गमान इस वक्त तक तो मेरे ख्याल में टूट जाना चाहिए था कुछ लोगों के जहन में जो था, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन इख्तिताम हो चुका है और कहीं पहाड़ियों का नाम तो सामने आया नहीं किसी बिल में की शक्ल में। खान साहब, क्या ये जो पीडीपी के यहाँ के लोकल जितने भी वर्कर्स हैं या आप समेत बाकी भी जितने लोग ओहदे पे हैं, इनका आवाम के साथ कम्युनिकेशन ना होना ये भी एक बड़ा कारण है कि लोग पीडीपी को छोड़ रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा जहां तक अपना जाती ताल्लुक है, जो कि पीर पंचाल पूरे की जिम्मेदारी है और उसमें हर तरह जो है अपने वर्कर जो है उनके साथ रابطे में हूं और हमारे जो जमात के जुमा लोग हैं वो बिल्कुल अपने वर्कर अपने साथियों के साथ रابطे में हैं। इस वक्त जो है जैसा रिजर्वेशन की तरह यहां है कि पिछले एक साल से पहाड़ियों को एक तरफ नचाया जाता है, गुजर कम्युनिटी को दूसरी तरफ से नचाया जाता है और एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करने की जो है चाल, उस चाल में बहुत सारे लोग जो हैं वो एक किस्म के ये समझ लीजिए कि जज्बाती तौर पर गुमराह किए गए, तो उसी में क्या कि जिमन में कुछ लोग जो हैं हमारी
पे भी इसमें गए हैं, कई और इसमें वजूहात शामिल है, लेकिन वक्त आने पर आप देखेंगे ऐसी कोई बात नहीं, ये लोग भी अपने फैसले पर नजरसानी करेंगे और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जमात के जुमा नहीं जुड़े हुए, लेकिन वजूहात इसके पीछे जो है कई एक ऐसी कार फरमा है। आपको लगता है इस वक्त मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा अगर किसी जमात को नुकसान हो रहा है वो पीडीपी को हो रहा है या कि किसी दूसरी जमात को भी बीजेपी से खतरा है? एक मैं आपको बताऊं कि इब्तदा से पूरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी छाने पर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी रही है और वही दरख्त जिस पर फल अच्छे होते हैं उसी पर पत्थर फेंके जाते हैं। आज आपको लगता है कि पीडीपी ने गलती की थी बीजेपी के साथ जाकर? नहीं देखिए ये एक लंबी बहस है, कोई गलती नहीं की थी क्योंकि पीडीपी का जो तशखस है उसको बचाने के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था और साथ में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चूंकि वो एक मंझे हुए सियासतदान थे, एक स्टेट्समैन थे, उन्होंने जम्मू के वोटर्स का एहतराम करते हुए जम्मू और कश्मीर को जोड़ के रखने के लिए वो फैसला लिया था और उसमें उसके उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये तो इब्तदा से पिछले 70 साल से बीजेपी का एक एजेंडा था, मुफ्ती साहब ने अपनी तरफ से एक जिन को बोतल में बंद किया था कि वो लिखवा के लिया था कि किसी किस्म का जो जम्मू कश्मीर का तशखस है इसकी जो खसूसी हैसियत है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो जब बाहर गए उससे हुकूमत से इन्होंने पल्ला छड़ाया, उसके बाद इन्होंने वो अपने 70 साल जो मंशूर था उसको अमलाया और फिर ये समझते हुए कि अवामी हमायत पीडीपी को हासिल है, बड़ी ताकत जम्मू कश्मीर में अवामी जो है वो पीडीपी है। तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया। ये मारूफ खान साहब थे पीर पंचाल के प्रेसिडेंट पीडीपी जनरल सेक्रेटरी और इनका बेबाकी से और साफ साफ ये कहना था कि पीडीपी का कोई भी लीडर है जो वो किसी भी जमात में शामिल नहीं हुआ है, कहां कुछ लोग जरूर गए हैं वो भी इस बात पे नजरसानी करेंगे और वो भी वापस जल्द जो है पार्टी के साथ शामिल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।